लो बच्चों, हरियाणा टूर का 17 मदर का सफर में आज हमने लेकर चलेंगे देश का टेक्सटाइल अवर, देश को एक बहुत ही महान खिलाड़ी देने वाली नगरी पानीपत में। सुते उठते ताजा वाले खातर बालकोनी में आ जाता हूँ। पड़ोसा कमरा में दो तीन बालक थे, उनके साथ आया लो करता हूँ। वापस आकर देखता हूँ तो लुगाई अपना लाग रही है भाई, सारा सोता सट्टा चाण में लुगाई तोड़ कर ले भाई। पानीपत बहुत बड़ा, सब दिन में देखना मुश्किल हो जाएगा। जोड़ा झंडा पैक करके गाड़ी में आए भाई, धरते बार पंचर मानस बाट देखते पाए। बोला भाई साहब आपकी बाट 8 बजे से देखा मैं, कोई बात ना भाइयों के साथ आया लो करता हूँ, फोटो खिंचवाता हूँ, फिर पूछता हूँ बता दो भाई के सौदा देखने का। भाइया ने बता देवी मंदिर फलाना दकड़ा मा एक बता दो भाई, गणे कौन जाते मेरे महाराज सब नजदीक पड़ा था भाई, देवी मंदिर चले जाते हैं, देवी मंदिर में वहां मिल जाते हैं। मैं दो चार प्यारे भाई भाइयों के साथ आए लो करता, फिर निकल देता हूं, पहुंचता हूं भाई। बहुत ही प्यारा देवी मंदिर बना रखा था, बहुत ही बड़ा था भाई, आलीशान मंदिर था ये। भीतर जाते लुगाई भाई कुण खाबे, हम जूते काटने का प्लान बनाते हैं। मखान ना लुगाई न्यू नाकरा भी बाकी आदमी के देखेंगे, चाल इनका जूता कर टोले ओड़े काट के आऊंगा, जूता कर मिल जाता है भाई, अपने जूते वहां काट के निकल लेते भाई। हाथ धो के घंटा बजा के पहुंच जाते देवी मंदिर के अंदर। मंदिर के अंदर जो चित्रकारी कर रखी थी उसको देख के दिल प्रसन्न हो जाता है। नाम देखता हूं भाई, जोधपुर का भाई था, उसने चित्रकारी करी थी। फिर पंडित जी महाराज एक प्रसाद देते हैं, पुड़िया सी बना रखी थी, एक दिया था पतासा। सबता मंदिर के दर्शन करके माथा टेक के निकल लेते। फिर भैया ने बताया था एक मस्त कलंदर फकीर की दरगाह पे, ओड़े पे जाइयो पर ओड़े गाड़ी नहीं जा सकती थी, बोला पाई जाना पड़ेगा वहां पे, पाई जाने में बहुत टाइम लग जाएगा, टाइम बहुत कम था हमारा तो रहे। इतना मैं इसी राम की करनी हुई, एक बहुत ही प्यारा फ्लोर मिल जाता है, वो मोटरसाइकिल पर था, हम उसका शेर हो गए। मखा भाई इतना छोड़ के आने पड़ेंगे, बोला भाई साहब मैंने तो काम पर जाना, और मखा काम पर तो रोज जहाज इतना के इतना रोज रोज फिट है। मखा भाई मन अपने सारे बोलोग एक क्या बात सिखाई, सारी दुनिया तक ना तो मर्द रहे नहीं, तुम मन नहीं नाटन लग रहा है भाई, मान जाता है मोटरसाइकिल बैठ के पहुंच जाते हम लोग फकीर साहब की दरगाह पे। दरगाह के बाहर की साबत गाड़ भाई, प्रसाद देनी है मानसा भरी पड़ी थी, चादर देनी है मानस गणे बैठे थे, सारे रुके मारा मेरे पे ले ले, मेरे पे ले ले, पर हम निकल जाते हैं आगे। लास्ट में जो भाई मिलता है उसी पे लेते हैं प्रसाद। मखा भाई प्रसाद दे दे, चादर दे दे, भाई ने बताया दो चादर चढ़ा कर, दो चढ़ा तो फिर दो दे दे। प्रसाद लेके भीतर गए तो आड़े भी वो सिस्टम पता है, जो नू वाली मस्जिद में था, भी बाहर बैठ के अपने हाथ धोते भी छींटे मारते सारा शरीर पे। कहां से थे कैसे थे, मैं पिछली कहानी जानना चाह रहा हूं। ये अरब से आए थे, बहुत बड़ी बड़ी कहानियां हैं आपकी। अच्छा, अब जैसे मदरसे में पढ़ाते थे, एक मस्तान बैठा हुआ था, उसे जो सलाम किया आपने, तो आपने कहा है मस्तान ने कहा के मौलाना शरफुद्दीन पहले मुसलमान बनो। अच्छा, तो ये पहले मुसलमान नहीं थे? थे तो हाँ। मगर वो बात क्या थी हाँ। जैसे गुरु वाली। अच्छा ठीक है, आप किसी के चेले नहीं थे, नशियत ज्यादा आ गई, तो जब आप पानी में जाकर खड़े हो गए, इनके पीरो मुर्शद जिन्होंने आपको कलमा पढ़ाया, आपने मुरीद किया, उन्होंने पानी में छोड़ दिया ले जा करके, आप 12 साल तक 12 और 12 36 साल तक खड़े। अच्छा, पानी में? अच्छा, पानी के अंदर। ओहो, आपका सम्मास मछली खा चुकी थी, अड्डी अड्डी रह गई। हाँ, तो आपकी रब की तरफ से आवाज आई, ए मौलाना शरफुद्दीन बोलो क्या मांगना चाहते हो, अली बना दो। कहला नहीं, कसम है अली की, कोई और अली नहीं आ सकता। अच्छा, के तो नबी बना दो। कहना है कसम है नबी सरकार दो आलम की, नबुवत तो सरकार पे खत्म है बस आगे। तो फिर आपके अल्लाह के पास में है क्या जो मुझे दे सके? अच्छा, तो आपने कहा कि अली की भू मिलती है आपको। अच्छा, तो जब आपको भू मिलती है तो जब आपका नाम बू अली शाह कलंदर रखा गया। दरगाह में जाने से पहले फकीर साहब के जीवन का कुछ परिचय लेता हूँ बाहर बैठे हुए भाई से। दरगाह के अंदर जाके अपना मत्था टेकते भाई, बहुत ही आलीशान दरगाह बना रखी थी, छत पर तो भाई शीशा शीशा काम था। फिर देखो भाई बहुत गणे ताले लटक रहे थे, पूछता हूँ भाईयों से मखाई इतने ताले क्यों लटक रहे हाड़ है। ई अपना दरगाह वाले भाइया ने बताया, बोला कोई भी मानस से कोई इच्छा करता है तो अपना एक ताला लटका जाए, जैसे इच्छा पूरी होती है तो अपना ताला खोल दे हाड़ आके। फकीर साहब की दरगाह में मत्था टेकने के बाद निकल लेते हैं भाई, चिमन भाई हलवाई का जिसकी पूरी बहुत ही फेमस थी भाई, मोटरसाइकिल पर लेकर चला गया गणी बीड़ी बीड़ी गाड़ थी, आड़ भी जाया नहीं जा सकता गाड़ी में किससे भी हाल में। जाते भाई थी बता दिया मखा भाई, दो प्लेट तो पुड़िया की दे दे, साथ में दे दे लस्सी पे, दो प्लेट आए पास लुगाई नाट जाती है। बोला मैं तो कौन खाऊं, मेरा तो खांसी और रिमाइयो कर दिया, तेरा खसमाना भी खाम कर पिए लागे टाट में इनके। यो चिमन भाई बैठा था भाई पानीपत की गुड़ मंडी में, इसका नाम था हलवाई अट्टा, इसके आसपास में कई हलवाई और थे, उन भाइयों को एक्सप्लोर करता हूं क्या क्या आइटम बनाऊं, तो फिर नहीं सी धरे थे। बोला भाई ने दूध गलत खाया करें, टाइम हो गया था 11:30 बजे का, अभी मीटअप के लिए निकल लेते हम लोग। रोजमर्रा का जितना भी सामान है ना वो सारा का सारा है, लेके चारे को खाने मिले ना मिले, सोने मिले ना मिले, अपना बंदोबस्त आपको होना चाहिए। वकील साहब है अपने नरेंद्र बिरान जी पानी बच्चे भाई भाई जी आज आप क्या चुप करते हैं, देखियो देखियो पिलर आया है ये, तो फिलहाल जो है भाई देख लो अजीत रहा फिलहाल जो है गाड़ी पे 30 दिन का इनका जो है टूर है, 30 दिन हरियाणा के बारे में पूरी पूरी जानकारी देंगे, खान पीन का रहन सहन का मोनुमेंटा का एक एक आइटम निकाल के लाएंगे,
और बहुत बहुत मेहरबानी। अच्छा एक एक बात बताओ, मैं जब वीडियो शुरुआत करी ना, मैंने देखने की, मैंने सोचा मतलब स्पीड बढ़ा के बताओ बोलना है या सच्चाई कितनी करती है, स्पीड बढ़ाओ ऑटोमेटिक स्पीड है यार। हम तो कलाकार सारी एडिटिंग पेटिंग सारी तुमने दे रहा है, हम बढ़ा के देख लो। बात जम बात जान लाग रहे थे भाई, एक पत्रकार भाई ने राम रुकवा लिए। मैं कहा भाई साहब मैं लेट होने ला रहा हूँ, 12 बजे मेरी मीटर हो, बिला जी 10 मिनट दे दो भाई, 10 मिनट देता हूँ फिर भी पहुँचता पहुँचता लेट हो जाता हूँ मीटर पे। अरे भाइयों को राम राम। पत्रकार भाई थी बाजता बाजता 5-4 मिनट का इंटरव्यू हाँ दूँ, उसके बाद मैं साधन उड़ना गया लादे भाई सीधा ले चल मीटर पड़े स्थान पे। और भाई 12 बजे थे 5-7 मिनट ऊपर करके मैं पहुंच जाता हूँ भाई ठिकाने पाड़े, सारे भाई बाढ़ देखते पाए भाई कसूती अंदर जिम भरे पड़े थे, छोटे छोटे बालक भी आ रहे थे करड़ी बाढ़ देखने लग रहे थे। आज दिन था सोमवार का भाई, हफ्ते का पहला वर्किंग डे था, सारे भाई अपना काम छोड़ के आ रहे थे, बालक अपना स्कूल छोड़ के आ रहे थे, सारे भाई हाथ जोड़ के बार बार धन्यवाद देता हूँ मैं, इतना कीमती समय दिया आप लोगों ने। सारे बाण भाई बड़का गला फोटो खिंचवाता हूँ भाई, हेलो करता हूँ, बातचीत करते आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करते, फिर पूछता मैं कोई नाम धरे हो तो बता दे, पर इतने शुद्ध मान से पानीपत के कोई नाम नहीं दे रखा था। टाइम हो गया था भाई 12:30 बजे का, मखाजी मीटअप ओवर कर दो, पानीपत बहुत बटार मैंने सारा देखना, निकल लेते हैं सारे भाई लोग, सबको बार बार फिर धन्यवाद देता हूँ यहाँ आने के लिए। भीतर गया मैं अपने चाट किंग वाले भाइयों द्वारा, कई आइटम बनवा रखे भाइया ने भाई, पकौड़े सकोड़े अटरम सटरम घड़िया डाल के दो, लच्छा टोकरी जितने आइटम द्वारा बना करते सारे दर दिए मेरा बनना गया, सारे आइटम का थोड़ा थोड़ा एंजॉय लेता हूँ। फिर पास में आड़ा स्टेडियम था भाई, वहां चले जाते भाई, योगा हॉल था, बालक बहुत ही बढ़िया योगा कर रहे थे, मैडम बैठी थी, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मैडम को दिखा दो थोड़ा मोटा, हमने भी योगा करवा के बालकन के सिखाओ आप। मैडम ने दो बहुत ही प्यारी बेटिया परफॉर्मेंस दिखा भी, उनका परफॉर्मेंस देख कर न्यू लगन लग रहा था, जानू ये छोरी रबड़ की बन रही हो, कितो तो मुर्जा थी मेरे तो देखने देखने में कड़मा दर्द हो गया। मैडम ने प्यारी बेटिया ने भविष्य की शुभकामनाएं देखे हम लोग निकल लेते हैं, एक बॉक्सिंग हॉल भी था, मैं चलो भाई बॉक्सिंग का प्रोग्राम देखांगे की मैम। हाँ सर, इसमें वाटर बैग में हम जो पावर का पंच मारते हैं ना, पंच की पावर को अंदर ही ऑब्जर्व कर लेता है। अच्छा, उल्टा नहीं आता, रिबाउंड नहीं होता। हाँ जी ठीक है। और ये सीधा बैग है? सीधे बैग में सर ये बहुत पुराना, पहले से ही है ये तो। अच्छा। काफी टाइम से ये यूज करते थे, पुराना मॉडल हो गया वो। हाँ। अब नया ये वाला आ गया है एस शेप के। तो इनका क्या फायदा साहब? इनमें सर जैसे हम स्ट्रेट पंच और हुक अपर कट अच्छे से यूज कर सकते हैं, जो नीचे से मारते हैं। हाँ, एक दिखाओगा भाई कोई सा थोड़ा? इस बॉक्सिंग हॉल में कई डाल के पंचिंग बैग टंग रहे थे भाई, एक में तो पानी भरा था, दूसरा वो गोल गिंडवा टाइप था जिसने सेठ लाख राडत की दुकान पर, तीसरा था जो एस टाइप का। कोच साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ मखाजी बॉक्सिंग में क्या डाल के घुसे हो, आगरा हमारे दर्शक ने थोड़े मार के दिखा दो। कोच साहब ने एक बालक की ड्यूटी लगा दी, वो हमने मार के दिखाओ, 6 डाल के घुसे हो आगरा भाई, 3 लेफ्ट के 3 राइट के सारे मार के दिखाता हमारे को। इस भाई ने घुसे मारता देख कर लुगाई के भी चाचड़ जाते, वह भी दस्ताने पैर लेते घुसे मारने लग जाती है, मैं रोकता हूँ, मखा तू मान जा लुगाई क्यों, खाम का हाथ पाने तुड़वा वाड़ खसमाना बन जा खाम खा का। अब कोच साहब मारती एक बहुत ही बढ़िया बात बताते हैं, बिलाजी नीरज चोपड़ा ने बियाड़ते अपने खेल की शुरुआत करी थी इससे स्टेडियम से। मखा जी कोच साहब या तो बहुत ही गर्व की बात है, सारे मानसा राम राम करके हम लोग निकल देते हैं पानीपत का एक म्यूजियम देखने के लिए। आड़े पहुंचे तो बेरा पट्टा है, सोमवार का दिन जो म्यूजियम बंद रहा कर, लेकिन एक काम बहुत बढ़िया हो जाता है, यहाँ इरीगेशन डिपार्टमेंट के कुछ भाई मिल जाते हैं, उनकी एक साइड चला थी और हुक्का भर रखा था, भाइयों के साथ चला जाता हूँ हुक्का का एंजॉय लेने के लिए। यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात पता चलती है, जिस भाई ने हुक्का भर के दिया था, इस बाइक लड़के बिहार में एसपी लाग रही है पुलिस में। मखारा भाई तेरी छोरी एसपी लाग रही, तू आड़ा होका भरन लाग रहा, न्यू ज्ञान कर उसके बदले हरियाणा में करवा ले, तेरी 3 PD 32 वाली गाड़ी हम चलन लाग जाएंगी। इरिगेशन वाले भैया ने बहुत बढ़िया होका पिया भाई, साथ में चाय पिलाई, बार बार धन्यवाद करके निकल लेता हूँ, प्लान था हमारा काला आम जाने का। रास्ते में मिल जाते एक स्कूल बस भाई, सारे बालक चीयरिंग करते हैं हाथ हलाते हैं, मैं भी दूसरी तरफ से हाथ हलाता हूँ, पहुंच जाते हैं काला आम, यहाँ के पता करते इस जगह का नाम काला आम क्यों पड़ा, फिर भैया ने बताया लाड़ा ने तीसरी लड़ाई हुई थी भाई पानीपत की अहमद शाह अब्दाली के बीच में, मराठा बीच में एक आम होया करता वो काला पड़ गया, इतना खून पड़ा उसके ऊपर, किसके आम भी काली होगी थी इसलिए इस जगह का नाम काला आम पड़ता है। मखा भाई वो आम का पेड़ भी रह रहा है, भाई साहब तो आम सूख लिया, उसके एक लाकड़ी से धर रखे स्मारक के ऊपर, लाकर जाकर देखता हूँ बहुत ही बढ़िया स्मारक बना रखी थी, नहीं स्मारक के पास भीता पर चित्र बना रखे थे, पत्थर की मूर्ति बना रखी थी, उसमें दिखा रखा था क्या क्या आइटम थे, लड़ाई में कैसे कैसे लड़ाई हुई, हाथी घोड़े सब छाप रखे थे इस पर। कोई गाड़ी नहीं है, व्यवस्था नहीं है। बिल्कुल जाज बोले जी। हाँ। कहाँ से आए भाव जी आप? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से आए? ओ, ओ। आप अपनी पूर्वजों की धरती देखने आए हैं? यस यस यस। वाह जी वाह, बहुत बताते हैं महाराष्ट्र के टूरिस्ट यहाँ बहुत आ रहे हैं। कैसा लगा फिर आपको जी यहाँ के? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, लेकिन ये आने जाने में बस नहीं है, ट्रांसपोर्ट का इशू है। और ये आंटी जी आप भी महाराष्ट्र से? महाराष्ट्र से। वाह जी, आप लैंग्वेज कौन सी बोलते हो महाराष्ट्र में, एक अपनी भाषा बोल के दिखाओ ना एक बार हमें। यहाँ आए हुए अंकल की एक शिकायत थी, बिलाजी बस अड्डे ताड़ाड़ खातर कोई साधन नहीं है, मखा भाई न्यू ज्ञान करो अपनी कंप्लेन बुक लेके और कंप्लेन लिखवा अंकल जी की। सिक्योरिटी वाले भाई ने लिया लाल किताब अंकल का रख दी, अंकल ने उसके अंदर अपनी शिकायत दर्ज कर दी।
इतनी अण में वो बालक भी आ जाते हैं जो बस में हाथ लाऊं तो भाई सारे बालकों के साथ फोटो खिंचवाता हूँ, हाय लो करता हूँ। लकड़न लागे तो एक पत्रकार भाई और आ जाता है, उसके साथ 5-7 मिनट लगाता हूँ। फिर भैया ने मेरे से गिफ्ट में दिया चाय का मसाला, राशि दही का मसाला। अब यहाँ पहुंच जाता है एक भाई उगरा खेड़ी गांव से था, बोला भाई साहब हमारा गांव ने 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करके एक पार्क बनाया, एक बार चाल के हमारा पार्क देखो भाई, जाके देखता हूँ, बहुत ही बढ़िया पार्क बना रखा था भैया ने। मखा भाई उगरा खेड़ी वालों हमने बहुत बढ़िया इनिशिएटिव लिया, बाकी सारा हरियाणा खातर भी एक एग्जांपल सेट कर दिया था हमने। जिस तरह हम अपने घराने साफ सुथरा रखते हैं, सजा दजागे रखते हैं, उसी तरह हमारी जिम्मेवारी बनती है भी अपने गांव ने भी अपने शहर ने भी सजा दजागे रखे। सजन आ जा लिया मट्टी ले भाइयों का, यो काम तो निपटा पानी पताना का, सारा दिन होते ना चून खाने पाने पतका को धर्म तो करके जाए वे ले भाई आ जाओ तुम दोनों आ जाओ ले भाई, भावना करनी है सारे भाइयों का मंगल कार्य है, इन दाडा में जरूर हो जाए सारे रंडे भाइयों का, और भावना के साथ डालनी है आपने। हाँ ऐसे ले जी ले राम का कुआरे भाइयों, हाँ मंगल कार्य माटी देख लो पार्क में माटी गिर के जैसे ही बाहर जान लगे तो भाई साजन गोसा ठाकर दूर जान लग रहा, साजन के करे अभी दूर की आग बढ़ लगे, साजन बैठी गंगा में हाथ धोना चाहो था उस समय गोसा टेक आया। टाइम हो गया था भाई 5 बजे का, मड़ी मड़ी भूख लगे थे, लुगाई ने केड़े काट लेको भाई, केड़े दे के जा रहा था भाई, केड़े खाते उसके बाद आ जाता है नंदी महाराज, मखा भाई छोटके फेंकियो मत भाई ने खुवा दियो, एक दर्जन केड़े के छोटके खाने के बाद नंदी महाराज मेरे पास आ जाता है, मेरे कान देखने लग जाए जन और माल मांगे था, मैं लुगाई पूछता हूँ कि मैं खुआन का, लुगाई मना कर देती है बिला और मैं तो कौन पड़ा मेरे तो रहे। अजन होका भर के लिया नहीं बोला जी चाह पीनी, चाह काड़ को जुगाड़ थाने भी दो भाइयों ने सुनी, दो प्यारे फ्लोर थे अपने पास, दोनों घर गए भी थर्मस में जाकर चाह गलवा के लिया, बार बार धन्यवाद देता हूँ छोटे भाइयों को। आकार होका का एंजॉय लेने लग रहे तभी पहुंच जाते दो प्यारे डीलर भाई हमारे, बहुत ही पुराने भाई थे भी, वो आ जाते मखा भाई चाह पियो होका पियो, एक भाई मना कर देता है बोला मैं चाह नहीं पीता, एक भाई मना कर देता मैं होका नहीं पीता, मखा भाई जो भाई जो साथ सोता पिया वो पी लो, निकोटीन और कैफीन पूरा हो गया था भाई। अब हम पहुंच जाते एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, ले छोरे बहुत ही प्यारा भाई मिल गया हमें अग्रवाल, पानीपत में आवा आ रही है जो है ना हैंडलूम वाला काम अपना देखा तो पानीपत की विजिट अधूरी है। वैसे पानीपत में सबसे ज्यादा काम किस चीज का है? इस समय ब्लैंकेट्स का और फ्लोर कवरिंग्स का काम बहुत ज्यादा है, टेक्सटाइल्स का काम है, टेक्सटाइल हब है। जी जी टेक्सटाइल हब है, तो कंबल का बहुत ज्यादा काम है। अच्छा आप रॉ मटेरियल कहाँ से लाते हैं सब, इतना माल कहाँ से? हमारा ज्यादा जो रॉ मटेरियल गुजरात से आता है। अच्छा रिलायंस बेसिक इसका रॉ मटेरियल क्या होता है? कंबल का धागा, धागा किसी भी टेक्सटाइल प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल धागा है, उसका कॉटन है, पीछे कपास, उसमें कपास है। देख लो भाई जमींदारों थारी कपास तो एक-एक के सौदे बना लाए रंग बिरंगे, हम खेत में बनाओ और ये फिर इन्हें बक्सा में भरते हैं। चलो भाई जी एक बार दिखा के लाओ कैसे बनता है। बिल्कुल आओ क्या देख लो रे, रजाई गद्दे होया कर दे, मारो सोड़ सोड़ी होया कर दे, उनका नाम बदल कर दिया क्विल्ट्स जी, कितना प्यारा नाम है जी, नाम के साथ इसके भावी बद गए होंगे बिल्कुल, है ना, सारा रोड़ा नाम का है। छोटे भाई क्या एवरेज रेट है इसका? इसका एवरेज रेट होगा अप्रोक्सीमेटली 7000 या गुजरात ने रिलायंस वाली फैक्ट्री बनाया कर, और भी कई फैक्ट्री है बाकी, रिलायंस वाला जो धागा सबसे बढ़िया बताया इस भाई ने, सबसे पहला स्टेप है इन धागे ने इकट्ठा करके एक रोल सा बना दे, ड्रम सा बना दे, बड़े बड़े ड्रम बना के धर दे, मशीन लग रही इस काम पे, फिर जो ये धागे बड़े बड़े ड्रम से बन जाए छात पला रखिए क्रेन वा क्रेन था के एक मशीन को ऊपर धर दे भैया, मशीन करेगी बुनाई जुकर लुगाई चोटी ने गुथा कर धागा ने गुथ के कपड़ा बना दे मोटा मोटा सा, इब जो धागे की गुथाई करके कपड़ा तैयार हो जाता है, न्यू समझ लो कंबल का शरीर तैयार हो गया भाई, लत्ते कपड़े पुराने रह गए उस खातर जाता है अगली मशीन पे रंगाई करने खातर भाई, इस कपड़ा ने चढ़ा दे एक लंबी मशीन में, न्यू समझ लो भाई एकाधो वड़ा इतनी लंबी मशीन थी कई रोलर से लाग रहे पेंट सा घेरे जा थे, कंबला की सारी रंगाई एक जगह पे कोनी होती भाई, एक जगह पे सिर्फ एक रंग भरा जाए, कितने लीला रंग भरे थे, कितने लाल रंग भरे थे, कितने हरा रंग भरे थे, सारे डाल के रंग अलग अलग भरे जा है, रंग भरने खातर ही अलग अलग भाई 4-5 जगह पे फर्मेस सेट कर रखे थे, उनके बीच में का जगह छोड़ रखी थी, रोलर सा न्यूनतम न्यूनहंड था रंग कंबला को ऊपर ला दे था, 4-5 फर्मिया का नीचे का जगह भाई कंबल में सारे रंग भरे जाते हैं, उसके बाद आखिरी में एक रोलर सा था भाई वो निचोड़ दे उसमें थोड़ा पानी है हमारा जो एक्स्ट्रा रंग होता है वो उतर जाता है, फिर ये भाई बना रहे थे भाई ट्राली सी पही ऐसे ला रखे थे, उनका स्टील की ट्राली थी, मैंने कंबला ने टांग दे ले जाए भट्टी में भी उड़े तपा में 200 डिग्री सेल्सियस पे, रम भट्टी में तपाए पास भाई काट लिया कमला में इनके कन्ने कुन्ने सीम दे, फिर लिया धुआन खातर एक धुआई की मशीन थी कसूती लंबी मशीन थी जो एक्स्ट्रा रंग था वो सारा लेकर जाता है ताकि जब हम दौड़ लागो इनमें रंग ना लग रहा है, तो ये पाछे वो कंबल चढ़ जाता है एक मशीन के अंदर जो इस पे पॉलिश करा गई भाई, कसूते रोलर से घूमे थे ब्रशी लाग रही थी वो पॉलिश करके चमका देती है इसने। लो जी भाइयों पानीपत की जो एक आइटम हमारी बची थी ना पूरा हरियाणा जिसके लिए उत्सुक था, कैसे ये कंबल बढ़ते धागे को जीवंत रूप दे के कैसे ये भाई कंबलों में तब्दील करते हैं, पूरा भाई ने दिखाया एक एक चीज समझाई, मजा आ गया देख के, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे प्यारे भाई को, थैंक यू पूरा हरियाणा की तरफ से धन्यवाद ये, भाई जी ये हमारी तरफ से आपके लिए। भाई साहब बोलो जी मौज ही कर दी भाई ने, लो
लुगाई कच्चे काट के तो इन्हें फ्रेम आउट कर सो ये जड़ जाता है भाई का बहुत ही प्यारा गिफ्ट है जी बार बार धन्यवाद करेंगे थैंक यू थैंक यू सो मच ये नया आइटम देखा भाई जी हमने सुना बहुत था एक बार बताओगे इसके बारे में क्या चीज है ये जी जब कहीं भी फायर हो जाती है और आपका हाथ वहां नहीं पहुंच सकता कुछ नहीं पहुंच सकता आप ये बॉल उठाते हो अच्छा। और वहां गिर देते हो तो ब्लास्ट होके फायर एकदम बंद हो जाती है वाह जी वाह ये बड़ा खतरनाक काम है वैसे कहीं अगर इस तरह बहुत हमारे पास तो हमारा रॉ मटेरियल सारा फायर ही अपने इधर देखो इधर भी इन्होंने बाल्टियां वगैरह फायर प्रूफिंग के लिए वो पूरा सिस्टम भी लगा बिल्कुल गवर्नमेंट कंप्लायंस के हिसाब से पूरी फैक्ट्री 100% फैक्ट्री देखने के बाद हम लोग निकल लेते हैं भारत के रियल हीरो नीरज चोपड़ा के परिवार से मिलने के लिए नीरज चोपड़ा का घर जाए पूछते पूछते हम लोग पहुंच गए थे नीरज चोपड़ा गांव में भी उनका घर का बार कई मानस बैठे पाए पे सारे मानसा ने राम राम करता हूँ भैया ने बताया जी भीतर चले जाओ भीतर बैठ जाते हैं जाके भीतर जाने के बाद हमारी मुलाकात होती है जी नीरज चोपड़ा के चाचा जी से दुनिया में सब तो ऊपर चला गया क्या रूटीन था इसका हिसाब नारा छट गया इतना मतलब ऐसा नारा तो कुछ नहीं था भाई जो कर दुनिया के माँ बाप को बेनांगा लाया न्यूंगा ला था मारा राम ने सुन ली सारे लेने स्वाद जब पचानवा तो 100 की जो दौड़ है यह खतरनाक इसमें सारे नहीं पहुंच पाते वैसे ना सब तो बढ़िया दौड़ है ना वाह 80-85 वाली होगा किसी ब्यूरोक्रेट्स ने कहा था ये जो 95-98 वाले हैं ये बेचारे किसी करने के नहीं रहते ये सब तक कट जाए समाज के ये नहीं रहते पूरे ये इतने प्रोफेशनल हो जाए रिश्ते में ये फिर पीछे हम तो लग तो ये रिश्ते तो कभी नहीं क्योंकि इसी घना पढ़ा का नहीं बढ़िया नौकरी लग बड़ी नौकरी लग जाएगा तो घर छुट्टा तो भाई तारा छुट्टा सीधी ही बात है भाईचारा बिका तो मारे की डाल कोई चाहे भगवान ने कितना दे दिया भाई अपना काम नहीं छोड़ना अब आज भी सारा फोन बाबा इन बाबा काम में बैठा पर पाछे का मजाक भी बतेरे कह देता कोई भी बुद्धि की बात अगले थोड़ा है बेचारे जाए इतनी दूर जा रहे फोटो फाटो भी गिर से पाछे काफी बात उठी बोले ये तो बीचा पे घूमने जावा या थोड़ा बोले चाउमीन बर्गर खान जाओ इतनी दूर जा रहे हैं तो ऐसा क्यों ये बैठ का है जब बच्चा के अरमान भी होंगे ना गलत है जी तो, इस तरह की नेगेटिव तो प्रचार कर रहे हैं हम तो एक चीज कहूं भाई किसी के बारे में ना बुरा तो ना सोचो ना बोलो मान लो मेरे भीतर जड़ेवा है किसी के प्रति दबे रखो अपना तो भाई आप तो एक चीज का है अपने नहीं भीतर रखो सही बात जब मरते भी सूत्र ना हो सही कह रहे पीतने में हमारे बीच नीरज चोपड़ा के दादाजी भी आ जाते हैं समय आम खान पान है सब हरियाणा जो खाने लग रहा है हरियाणा ना है क्या लस्सी तो जो लड़का है अपना इसको भी यही खान पान इसका चला होगा रोटी सब्जी दूध दही भाई दूध पी ये सौदा भाई इसके कौन से परोंठे आते न्यारे भाई दो घर में सारे काम तो यो खाओ था नहीं जी बढ़ने बालकाने के बैंक पकड़ रखा जो नई पीढ़ियां लग रही है ना वो लडला था उधर कबड़ा बेटा था हमारी माँ जिया करते जी तो 2006 में गुजरी हुआ तो घर का बड़ा बेटा था भाई दादा ही उस पर सारे ने लाड प्यार भी करे और भाई दादी का स्पेशल लाड भी था दादी इतने दूध मलाई में ना छीका था इतना गोडिया में तारा ही नहीं थी तो भाई वो फाउंडेशन है शुरू से मजबूत डलगीर बाकी तो उस बच्चे का फिर पैसा मेहनत नहीं बात मैं इसलिए कहना चाह रहा था जो नई पीढ़ी जो हमारी ना वो बोला जी खाने में प्रोटीन नहीं है मैं डब्बे लाऊंगा प्रोटीन के ये फलाना करेटिन ये समोसे खा लिए पकौड़े खा लिए कड़ी चीजें बाजारू खा ली ये हो गया जो अपना देसी घी था देसी दूध था अपने पशु रक्षा करेंगे ये पशु का काम करके कोई रात ही नहीं भाई ना नला हुआ टाइम पर उनको घास दे रहा टाइम पर उनको सारी सेवा करनी है तो वो दूध अच्छा देंगे और दूध हम पियोंगे तो बढ़िया होगा अब बच्चे क्या पड़ गए तो दारू के पीछा पड़ गए ब्याह शादियाँ में डीजे बज जाए वो ना दारू पी वहाँ शर्म उनकी टूट जाए ना तो उन्होंने पता मेरा काऊ खड़ा मेरी बहन खड़ी मेरी बुआ खड़ी मेरी माँ खड़ी कोई पता नहीं होता मैं कूदन का मत बोला सभ्यता खराब लग रही हूँ ऑनलाइन जो खेलना की तरफ रुचि रखेगा वो सारे नशे ऐब दूर से बच के चलेगा तो कामयाब हो जाएगा नहीं बच कर चलेगा खराब हो जाएगा
अपना तो मान लो ना पर्सनल कोई खर्चा करना हो तो 5-4 लाख रुपया अलग बात है, अदरवाइज जो भी खर्चा सारा सरकारें कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, साई है, फेडरेशन है और बाकी उसके स्पॉन्सर वगैरह हैं। अच्छा, हरियाणा की सरकार है, सेंटर की सरकार है, ये सारा मदद कर रही है। अच्छा, पूरा सिस्टम ये शुरू वाले दिन तो सारा ला रही है। हाँ, एक बार मान लो आप नजर मार ना, एक क्राइटेरिया हुआ है, अगर आप बढ़िया परफॉर्म करके करिए, आप एक बार कैंप में चले गए ना। अच्छा, NIS में चले गए आप, कैंप में किसी भी कैंप में, थैंक यू, कैंप में चले गए ना, कैंप के बाद फिर सरकार की जिम्मेदारी रुका मिला कुत्ता पाड़ लेगा। चलो जी, मौत करा दी भाई जी ने, एक बार फिर से शुभकामनाएं, इतना बढ़िया बालक आपके खानदान में पैदा होया, सारा देश का नाम ऊंचा करा दे। ये वो नेशनल के का और नेशनल प्रॉपर्टी है जो ना तुम्हारा है, मरता गणा तो इस देश का है, बिल्कुल आप लोग का पक जाता है, ओका सपिया करो भाई जी ने कई पूछ ली, फिर तमने बेरा भाई ना तो अपना तो रहे ही नहीं, बहुत ही प्यारा परिवार है भाई नीरज चोपड़ा का, भाई जी सा जाता है इन भाइयों से मिलकर, यो देख लो भाई पीछे एक कमरा में स्पेशल खाट बिछा रखी आने या जाने खातर, किसी भाई ने रुकना हो तो रुक भी इसका है, दो गुट होकर की मार के मैं विदा लेता हूँ इस परिवार से। बहुत बढ़िया बेटा दिया जी आपने, सारा देश ध्यान कर दिया। निकलने लगे तो ये परिवार में बाहर तक छोड़ने आया भाई, एक बार फिर से शुभकामनाएं देता हूँ नीरज के उज्जवल भविष्य के लिए। निकलने लगे तो गांव के कुछ प्यारे फ्लोर मिल जाते हैं, भाइयों के साथ आया लो करता हूँ फोटो खिंचवाता हूँ। यहाँ से निकल के हम लोग पहुंच जाते हैं एक बहुत ही प्यारे नवीन भाई के पास बालसी गाँव में, जिन्होंने हमें आज रात की रोटियां नौंदा दे रखा है, रोटी खुआ पाचा भाइया ने ये छोटे छोटे पेड़े धर दिया गए। रोटी खाए पाछे बैठ जाते इनके मीटिंग हॉल में, दो घड़ी पत्राण खातर आड़ा दिख जाता, मैंने गधा तो रखा था भाइया ने, मखा भाई साहब यो गधा तो दिखाओ, आज थी मैंने खाली रामायण में देखा यो मार रखी है। इन भाइया का परिवार बहुत ही प्यारा परिवार था भाई, हंसने बोलने में भोजन करने में मजा ही आ जाता है, समय हो गया था भाई 10:30 बजे, मखा भाई मेरा PWD का रेस्ट हाउस तो बंद हो गया होगा, कित जाऊं पहले जी मारा गेस्ट हाउस में रुक जाओ, न्यू भी झूल जाए हम तो पिंगा गाल के झूल करते हैं, और सस्ता जुगाड़ लग गया कि मैं तरणा चढ़ाना ले जाओ ना रस्सी वाले ना ना ला तो ये आपको नहीं हलता हलाए जाए इसने अन्यो मैं इतना सो इतना हलाए जा ज्ञान सा ओए होए पलना मुर्गा काम करे तो चल बनवाणी पड़ेगी करा जांदी है सही कह रहे बनवा ले आए खाती गया ठीक है मणि बनाया लो किस में नीचे ठीक कर बीच में 2-3 दिन आखड़ी लागे लोग आपा सही गोल करके उसने बता दे हमारे 24 घंटे हलनी चाहिए भैया बादर भाई एक नंबर की कॉफी बना कर लिया है जाग जमा करने के ऊपर का जा रहे थे कॉफी का एंजॉय लेता हूँ इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं समाप्त करते हैं सारे बाण भाई ना जीतराड़ भाई की राम राम।